और मैं यहाँ 2008 के दिसंबर में मैंने यहाँ रेटिना का ऑपरेशन कराया था डॉक्टर नटराजन के पास, और मेरा ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। कब डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लिया पता ही नहीं चला। डॉक्टर हंसते हंसते ऑपरेशन करते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है, और कोई भी बिल्कुल एक सुई लगने की भी मुझे तकलीफ नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगी कि जिसको भी ऑपरेशन कराना है वो डरे नहीं। और वैसे मैं बोलूँ तो मेरी इन दोनों आँखों का 5 ऑपरेशन हो गए, हो सकता था तो मैं डर सकती थी, लेकिन मैं डरी नहीं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही अच्छा ऑपरेशन करते हैं और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन है उनसे। आज 5 साल से मैं वो एक ही आँख से देख रहा हूँ, क्योंकि एक आँख मेरी दूसरी जगह ऑपरेशन कराने से कंप्लीट चली गई है, उससे मैं नहीं देख सकती हूँ। लेकिन जो ये मैंने डॉक्टर नटराजन से ऑपरेशन कराया वो सक्सेसफुल गया और मैं बहुत ही अच्छी तरह देख सकती हूँ। घर में पूरा काम कर सकती हूँ, यहाँ तक खाना बना सकती हूँ, बाहर जाके शॉपिंग कर सकती हूँ, एक छोटी बच्ची की देखभाल भी करती हूँ मैं। तो मुझे ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल लगा और डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरह ऑपरेशन करते हैं, जिसमें डरने की कोई बात ही नहीं होती है और पता भी नहीं चलता है कि कब ऑपरेशन हो गया। इससे मैं चाहूँगी कि जो भी ऑपरेशन कराए, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो बिल्कुल डरे नहीं और अच्छा ही सोचे, पॉजिटिव ही सोचे, सब अच्छा ही होता है। मेरा भी यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, मैं यही चाहूँगी कि आप भी डरे नहीं और बिंदास ऑपरेशन कराइए। आपका डॉक्टर नटराजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सा अच्छा लगा इधर ये हॉस्पिटल का और डॉक्टर नटराजन सर का? डॉक्टर नटराजन बहुत कोऑपरेटिव हैं और हंसमुख हैं, और उनके हाथ में भगवान ने बहुत ही अच्छा ये हुनर दिया है कि जिससे भगवान की दया हो उनके पर, जो भी है वो बहुत अच्छी तरह ऑपरेशन करते हैं और बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं हमारे से। उनको डॉक्टर के जैसा कुछ भी नहीं लगता है, वो हमारी तरह ही एक इंसान है, वैसे ही दिखाते हैं, अपने को बड़ा डॉक्टर नहीं मानते। वो बस यही सोचते हैं कि मेरे हाथ से जो भी ऑपरेशन हो अच्छे हो और लोग सुखी हो जाए। और वो आँख जो अपने जीवन में बहुत ही ये रखती है, इसकी वजह से तो आँख की वजह से आदमी अंधा हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नटराजन को भी भगवान बहुत बड़ी उम्र दे और वो भी बहुत सुखी रहे, और आप भी डरिए मत और अच्छे से ऑपरेशन कराइए, यही चाहूँगी। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, अपना आशीर्वाद देती हूँ। आज मैं 68 ईयर्स की हूँ और मैं आपको अपना आशीर्वाद देती हूँ कि आप हमेशा सक्सेस रहे। थैंक यू। थैंक यू।